क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस किताब को खोलने से वो चुड़ैल जरूर आती है? और क्या मैं मजाक थोड़े ना कर रही हूँ? कहते हैं वहाँ वो किताब गड़ी हुई है और उस दिन से किसी ने वो किताब नहीं निकाली है। इस बात को 100 साल हो चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें वो किताब? हाँ, वैसे मेरा भी मन है, क्यों ना हम एक काम करें, कल सुबह हम वो किताब वहाँ से निकाल के आ जाएंगे और रात को उस चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये बात सच्ची भी है या नहीं। अगर हमें वहाँ कोई किताब मिल गई तो इस बात से पता चल जाएगा कि कोई चुड़ैल सच में है भी या नहीं। हाँ, बहुत मजा आएगा। मुझे तो देखना है कि ये चुड़ैल होती कैसी है और ये सच में होती भी है या नहीं। ओहो, ये लाइट किसने जला दी? मैं हूँ दीदी। अरे डॉल्फी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे हैं? हाँ दीदी, मुझे पता है कि आप लोग बातें कर रहे हैं, पर प्रीति दीदी की मम्मी उनको डिनर के लिए बुला रही है। अभी अभी वो घर में भी आई थी। अरे हाँ यार, बहुत टाइम हो गया है, मुझे घर भी जाना है। देख, तेरी इन हॉरर स्टोरीज के चक्कर में ना मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है, पूरे 9 बज चुके हैं यार। हाँ यार, मजा ही इतना आता है ये वाली बातें करके। हॉरर स्टोरीज दीदी, आप क्या मुझे भी सुनाएंगी? ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, समझी? और तुम सुनो, इसे कुछ मत बोलना, ये हर बात जाके मम्मी को बता देती है। और हाँ, वो किताब निकालने हम कल ही सुबह जाएंगे, ठीक है? हाँ, समझ गई, अभी मैं चलती हूँ। चल यार, कल मिलते हैं, बाय। यार, हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, पर यहाँ पे थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? हाँ यार, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे आके। यार, यहाँ की हवा ही थोड़ी अलग चल रही है। हाँ, और मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, शायद ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना आजकल, इसलिए ऐसा होगा। एक काम करते हैं, जो काम करने हम आए हैं ना उसे पूरा करते हैं। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सबसे पहले ढूंढना शुरू करते हैं कि हमें वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी। वैसे वो चीज़ किसी पीपल के पेड़ के नीचे थी, और पीपल का पेड़ तो यहाँ पे एक ही है, वो रहा, उसके नीचे ढूंढते हैं। हाँ चल, ठीक है, चल चलते हैं। यहाँ देखती हूँ पहले, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखती हूँ, ठीक है, तब तक मैं यहाँ देखती हूँ। अरे शायद यहाँ कुछ है यार। अरे यहाँ तो कुछ लाल कपड़े से बंधा हुआ है, शायद ये वही चीज है। फाइनली हमें वो चीज मिल गई जो चीज हम ढूंढते हुए यहाँ आए थे। हाँ यार, मिल तो गई, अब इसे खोल के देखेंगे घर जाके। हाँ यार, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तक कितना डर लग रहा था कि मम्मी पापा से बिना बताए इतनी दूर आ गए, पर चलो काम तो हो गया। हाँ चल, अब घर जाते हैं। हाँ चल। रुको प्रीति। अरे किसी ने मुझे आवाज दी क्या? अरे प्रीति, क्यों रुक गई, जल्दी आ। हाँ आ रही हूँ, पता नहीं कौन था। यार क्यों ना हम ये वाली बुक घर जाते ही खोल ले, पता तो चले इसमें ऐसा है क्या। पागल मत बन यार, इसे हम रात के 12 बजे खोलेंगे। तूने सुना नहीं है, 12 बजे के बाद ही भूतों का टाइम शुरू होता है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी मम्मा से बोल दूंगी कि हम दोनों पढ़ाई करेंगे, इसीलिए तेरे घर रुक रही हूँ। इतनी देर में रात के 12 बज जाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि उस किताब के अंदर क्या है। हाँ ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ यार, मैं भी। मैंने तो मम्मी को बोल दिया कि मेरा वहाँ पे जाके पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम मुझे कुछ सम सिखाओगी। हाँ, तुमने झूठ बोल के बहुत अच्छा किया। मम्मी आ रही है। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच में? कुछ भी तो नहीं मम्मा, मैं तुम दोनों के लिए दूध लेके आई हूँ, ये लो। और ये तुम्हारे लिए प्रिया। टाइम से दूध फिनिश कर लेना और टाइम से सो जाना, ज्यादा देर तक पढ़ाई मत करना बेटा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट बेटा। दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आप दोनों के पास आके बैठ जाऊं? क्योंकि अभी तो आप पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं और बहुत रात भी हो गई है। नहीं, तुम नहीं बैठ सकती हो हमारे साथ, चली जाओ वॉल्फी। अरे तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी छोटी बहन है। तू नहीं जानती यार, ये मुझे कितना इरिटेट करती है, कहने के लिए छोटी बहन है पर पूरी दादी अम्मा है दादी अम्मा। दीदी मुझे आपके साथ ही खेलना है। तुम जाती हो या नहीं, वरना अभी मम्मा को बोलूंगी।
कि तुम हमें पढ़ाई नहीं करने दे रही हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखा इसने हमारा कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। इसकी वजह से 12:30 होने वाले हैं। अब जल्दी से बेडरूम में जाते हैं, चल। हाँ ठीक है, चलो। अब टाइम आ गया है इस किताब को खोलने का। मैं अभी इसे खोलती हूँ। अरे इस लाइट को क्या हो गया? अरे पावर कट तो होता रहता है, चली गई होगी लाइट। हाँ ठीक है यार, ये किताब तो जली हुई है अंदर से और इसमें कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। हाँ, इस किताब में लिखा हुआ है कि एक मोमबत्ती जलाओ और उसे देखते रहो, उसके बाद मंत्र पढ़ने हैं, उसके बाद चुड़ैल कभी भी आ सकती है। ठीक है। काली रात की चुड़ैल हमारे पास आओ, काली रात की चुड़ैल हमारे पास आओ। ये था पहला मंत्र, अब हम दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। काली रात की चुड़ैल अगर तुम सच्ची हो तो हमारे सामने आओ, काली रात की चुड़ैल अगर तुम सच्ची हो तो हमारे सामने आओ। बस अब तीसरा मंत्र बचा है, उसके बाद चुड़ैल हमारे सामने आ जाएगी। पर ये थोड़ा सा जला हुआ है, पहले हम इसे आधा पढ़ लेते हैं। हम तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाते हैं, हम तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाते हैं, हम तुम्हें अपनी दुनिया में बुलाते हैं। जितना इस किताब में मंत्र लिखा हुआ था उतना तो मैंने पढ़ लिया है, पर ये फटा हुआ है। अब ये जला हुआ मंत्र तो हमें नहीं पता कि ये क्या था। काली रात की चुड़ैल, ये मोमबत्ती कैसे बुझ गई? कहीं काली रात की चुड़ैल हमारे आसपास तो नहीं है, वरना ये मोमबत्ती। अरे यार तू बिन बात के डर रही है और मुझे भी डरा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, खिड़की खुली हुई है, हवा आई होगी। यार पर अचानक से अभी कैसे हवा आ गई? ओफो तेरे साथ में क्या बोलूं, पागल कोई चुड़ैल होती तो आती ना क्या? पर यार रिएक्शन तो हमें मिल गया है ना उसके आने का, मुझे तो अचानक से ठंड लग रही है। कहते हैं कि जहाँ भूत होता है वहाँ ठंड लगने लग जाती है, टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाता है कमरे का। स्टूपिड गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और तुझे ठंड लग रही है। एक तो हम पूरा मंत्र नहीं पढ़ पाए, वैसे कहते हैं अधूरा मंत्र पढ़ने पर ये रूहानी ताकतें बहुत नाराज हो जाती हैं और ज़रूर आती हैं, पर ये चुड़ैल तो बहुत ज़्यादा ढीली निकली, बिल्कुल भी नहीं आई। लगता है इसका मूड ही नहीं था। तुम सही कह रही हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, ये प्लान तो बिल्कुल खराब हो गया। पर हाँ इससे ये बात जरूर क्लियर हो गई कि चुड़ैल आत्मा ये सब कुछ भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है यार, चल अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इस बुक ने, बिन बात के हम इतना दूर भी गए और कुछ नहीं मिला। इस बकवास बुक से कोई भी फायदा नहीं हुआ। अगर कोई होती तो क्या हमें नजर नहीं आती? बिना बात की बातें हैं सारी, शायद भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं है। जाके देखती हूँ। पूरा घर देख लिया पर मुझे प्रीति कहीं भी नहीं दिख रही है, और ये चिल्लाने की आवाज तो उसी की थी, पता नहीं वो कहाँ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं क्या? वापस कमरे में जाती हूँ। अरे ये यहाँ सो रखी है और मैं इसे सारे कमरे में देख रही थी, अभी इसे बताती हूँ। ये कोई टाइम है मजाक करने का? प्रीति उठो, उठो प्रीति, ये क्या तरीका है तुम्हारा मजाक करने का? अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो इतनी रात को? क्या कहा तुमने, मैं परेशान कर रही हूँ? बल्कि तुमने अभी इतने जोर से चिल्लाया और मैं तुम्हें ढूंढने गई, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली और तुम भाग के यहीं आके लेट गई। पता है मैं कितना डर गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं तो तब से सो रही हूँ, बल्कि अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया। मुझे कोई चुड़ैल का सपना आ रहा था जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी। उसे देख के तो मुझे इतना पसीना आ रहा था, वो मुझे दूर से खड़े होकर देख रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया। देखो प्रीति झूठ मत बोलो,
तुम ही तो इतनी जोर से चिल्लाई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाई थी। ठीक है, तो तुम नहीं बताओगी। जब मैंने बोला नहीं होते हैं भूत, तो तुम मुझे फिर भी डराना चाहती हो, इसीलिए ये नाटक कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में सो रही थी। हाँ, ओहो, तुम रहने ही दो, सो जाओ। हाँ, तुम भी मेरे पास सो जाओ। हाँ, तुम्हारे पास ही सो रही हूँ।